दोस्तों, आज मैं जो है साइंस टॉपिक से टेस्ट सीरीज 11 जो है अपलोड करने जा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस बार टेस्ट सीरीज में आपको दे रहा हूँ, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक होता है, कौन सा बहुलक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में जो है कौन सा अम्ल यानी कौन से एसिड को जो हम लोग यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी में कौन से अम्ल यानी एसिड को जो है हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार लार मीन्स हमारा सलाइबा, सलाइबा में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, हमारे सलाइबा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हमारे किस ऑर्गन में होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस ऑर्गन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग में आने वाले जो मसाला लौंग है वो कहाँ से प्राप्त हम लोग करते हैं, ठीक है, उसका सोर्स बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, एलर्जी जो होता है हमारे शरीर में किस प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। दोस्तों, मैं आपको यहीं पर बताना चाहूँगा कि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम हल्के में आप लोग मत लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैटर मैं IAS 2018 प्रिलिमिनरी के लिए जो है अपलोड करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको प्रिपेयर कर लें। आप तो अपनी तैयारी तो कर ही रहे होंगे, उसके अलावा ये भी प्लस करते जाएं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएँ बनती हैं। ठीक है, लसिका कोशिकाएँ मनुष्य के किस ऑर्गन में बनती हैं, मलेरिया मलेरिया वगैरह के बारे में तो बहुत डिटेल से मैं बहुत अच्छे से पहले के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, आप चाहें तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आप खाली इसमें ये बताना है कि मलेरिया से इफेक्टेड होने वाला हमारा ऑर्गन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में किस रेडियो एक्टिव तत्व के बड़े भंडार पाए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आकाश में किन किन दो उपग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह अवस्थित हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा। अब जो है मैं कुछ समय बाद अब सारे जो है टेस्ट सीरीज़ का आंसर जो है अपलोड करने लगूंगा, और आप उससे मैच कर लीजिएगा और देखिएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।